मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं और मार्केट नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा, इंडेक्स व्यू 11 अप्रैल 2023। मार्केट गैप अप तो खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब तक वहां निफ्टी देखा जाए तो स्ट्रेंथ अब भी है इसमें और आपको मिल सकता है यहाँ पर 17,500 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है हम 17,500 के, अपसाइड पॉसिबल है। और वो कहाँ ले जा सकता है? 17,750 से 17,850 तक, ये एक जोन है, वहाँ तक जा सकता है जो कि जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। अपमू मिला, करेक्शन आए, करेक्शन दूसरा आया, करेक्शन तीसरा आया, फिर एक अपमू मिल सकता है, पॉसिबल है अपमू। बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर एक गैप अप खुला और नीचे लगातार नीचे आया, फिर अब पूछ कोशिश की ऊपर जाने की लेकिन फिर भी गिरावट आ रही है। यहाँ पर थोड़ी बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलता निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता तो निफ्टी और भी ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 40,500 के हैं, जब तक 40,500 के ऊपर है तो एक कोशिश हो सकती है एक अपमू की। अगर अपमू मिल जाता है फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उसी के अंदर खुला है देखा जाए तो, ये देखिए मैंने मार्क किया है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ इसी जोन के अंदर खुला हुआ है। दिक्कत हुआ है जोन को पार करना, अगर ये जोन को पार कर लेता है तो फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स आएंगे 41,000 से 41,250 तक, ये एक जोन था, इसमें ही एक्चुअली अटका। लेकिन जो नेक्स्ट है 41,600 के है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है, जोन ऑफ रेजिस्टेंस है 41,000 to 41,250, बस इसी पर ध्यान देना है, ये पार करना जरूरी है अगर 41,600 जाना है तो। अब देखें क्या होता है, फिलहाल लग तो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, बैंक निफ्टी में वीकनेस है, निफ्टी में इतनी नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी में, बैंकिंग का साथ चाहिए निफ्टी को। देखें क्या होता है, कल मिलता है नहीं मिलता है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।